यार नवाले पे बोलो, बहुत मजे का बने। अच्छा जी, तो इसमें मैंने सारी चीजें डाल दी हैं। और हमारे घर में ना मतलब हम बहुत टाइम से अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं उठी हूँ, टाइम हो रहा है 12, मैं लेट उठी हूँ। और जैसे मम्मा के घर मैं लेट ही उठती हूँ, तो बस अभी उठी हूँ, मैंने देखा मम्मा नहीं है, मम्मा गई हुई है क्वाट, किसी की शादी थी। वैसे जाना मैंने भी था लेकिन फिर कश्माला का मसला था, वो घर में अकेली थी तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। और आज तो इतनी सर्दी है ना, सुबह से मेरे सर में इतना शदीद दर्द है, तब तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है और बस डायरेक्ट हमने लंच ही करना है, तो मैं कोई टैबलेट भी नहीं ले सकती, सख्त मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने अपने लिए काटा एप्पल, मैं और कश्माला एप्पल खाएंगे। एप्पल कश्माला खाओगी? अच्छा जी, तोड़ते साथ फिर मैंने सोचा चलो कुछ बना लेते हैं, तो बाबा सब्ज़ी लेके आए हुए थे मिक्स, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। मम्मा वैसे मुझे कह के गई थी कि ये चीज़ बना लेना और उधर ससुराल में भी अगर मम्मा कहीं जाए, वैसे वो तो कहीं जाती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कहीं जाना पड़ गया 2-3 दिन के लिए, तो मुझे इतनी टेंशन होती है खाने बनाने की तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, क्यों हंस रही हो? तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि जितने दिनों के लिए जाएंगी ना, मुझे बता के जाएंगी कि क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आती ना। तो इसलिए बाबा बस रात को मम्मा ने बोल दिया था कि सुबह मिक्स वेजिटेबल बना लेना, तो बाबा सब्ज़ी वगैरह ले आए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया। सबसे पहले मैंने खाया एप्पल मैंने खाया और बस मैं लग गई फिर अपने कामों पर। सारी मैंने सब्ज़ियाँ काटी जल्दी से, जितनी जल्दी से आपको दिखाई दे रही है, इतनी जल्दी से होता तो बस क्या ही बात थी। अच्छा जी, तो इसको मैंने चढ़ा दिया, ठीक है। इसमें मैंने सारे जितने भी मसाले थे वो मैंने डाले, बस ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। अच्छा जी, तो जितनी देर में सब्ज़ी हमारी बनेगी, लंच तैयार होगा, उतनी देर में मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। ये 10:30 बजे का टाइम हो रहा था और इस टाइम तक जब मम्मा होती हैं तो हांडी वगैरह सब कुछ बनी हुई होती है, लेकिन वो नहीं थी, तो लेट तो खैर मैं नहीं हुई, लेकिन फिर भी ना मैंने बहुत दफ़ा बताया कि इधर मम्मा के घर ना बड़ी रूटीन से सारा काम हमारा चलता है, 10-11 बजे तक हमारी सफाई, नाश्ता और मम्मा लंच भी बना चुकी होती हैं, तो बस इधर मैं अब सफाई कर रही थी। और उसके बाद मैं बनाने लगी चटनी, और ये जो मतलब चटनी है इतनी कोई स्पेशल है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब इस चीज़ में जब हम बनाते हैं इसको, इनको में तो लंगरी कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में भी लंगरी कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। अच्छा, मतलब ये हमारा इतना पुराना है ना कि मैं, ये हमारे गाँव के टाइम का है और जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, ये उस टाइम का। और कुछ चीज़ें होती है ना कि जो जितनी भी पुरानी हो जाएँ तो उनको हटाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो ये भी उनमें से एक ही है। मम्मा इससे बिल्कुल नहीं हटाती, ना हम इसे हटाने देते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी ना बड़ी यादें जुड़ी होती है, तो मैं कश्माला के साथ यही कह रही थी कि इसमें हम ऐसे बनाते थे, गाँव में भी हम बनाते थे ये वो ना, और ये बनती भी बड़े मज़े की है, बहुत मज़े की। तो बस इधर जी मैंने चटनी बना ली थी और साथ में हमारी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन गई थी। चलिए जी गाइस, लंच हमारा तैयार है और बस थोड़ी देर में अभी हम बनाएंगे रोटियां सटनी और हमारे घर में ना मतलब हम बहुत टाइम से खाना खाते हैं, अगर बाबा को टाइम पे खाना ना मिला वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे, वो सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे। तो मामा मुझे समझा के गई थी कि बाप का ख्याल रखना है और टाइम पे खाना देना,
جبکہ ہم مطلب نہ بھی دیں تو بابا اپنے لیے خود روٹی بھی بنا لیتے ہیں، سارا کچھ وہ خود کر لیتے ہیں۔ مما نے، مما جب جا رہی تھی مما نے بولے، میں نے بول دیا نا کہ بلاشا پہ کچھ بھی نہ بنوانا، خود بنانا۔ میں نے کہا نہیں میں بنا لوں گی۔ گائز اٹس شام کا ٹائم اور ہمارے کچن کی لائٹ جل گئی ہے، تو ابھی ہم نے یہ رنگ لائٹ اپنی لگائی ہے اور ابھی اس ٹائم ہم بنا رہے ہیں آلو کے پراٹھے۔ اچھا جی، تو اس میں میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں، چاٹ مسالہ ڈالا ہے، نمک مسالہ، ہری مرچیں کاٹی ہیں، دھنیا ڈالا ہے، زیرہ ڈالا ہے، تھوڑا سا نوڈلس کا مسالہ میں نے اس میں ڈالا کیونکہ ہم نے ذرا چٹ پٹے سے بنا رہے ہیں، تھوڑا سا اس لیے کیونکہ میں دو ہی بنا رہی ہوں، اپنے لیے کشمارا کے لیے۔ اچھا جی، تو میں ایسے بناتی ہوں کہ دو چھوٹے چھوٹے پیڑے میں لے لیتی ہوں، مطلب اور اس کے دو طریقے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ پورا اس طرح بیل کے اور پھر آلو اس میں بیٹر ڈال کے اور اس طرح بناتے ہیں، لیکن میں چھوٹے چھوٹے پیڑے کر کے دو اور اس میں ڈال کے اور اس طرح بالکل ہلکے ہاتھوں سے نا میں اس کو بیل لیتی ہوں۔ پہلے تو مجھے بہت ہی مشکل لگتا تھا آلو کے پراٹھے، لیکن ابھی میں اس میں بھی اتنی کوئی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں نا، تو میرے بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں۔ تو بس ادھر میں بنا رہی تھی اپنے لیے اور کشمالا کے لیے، کیونکہ سردیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے سردی میں کیسی، مطلب پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں تو بڑی بھوک لگتی ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ تو بس اس لیے میں اور کشمالا اس ٹائم بنا رہے تھے۔ اور جی، اسی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنے ولاگ کو اینڈ۔ ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب۔ ملوں گے آپ پراٹھے چیک کریں نا، ملوں گے آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کریں چینل کو۔ اللہ حافظ جی، بائے بائے۔